सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपके जो करियर है वो मैरिड लाइफ को लेकर को और बिजनेस को लेकर के ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब से सबसे पहले आते हैं आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके लाइफ लाइन का फ्लो स्टार्टिंग से ज़्यादा स्मूथ चल नहीं रहा है। इसमें मल्टीपल्स एक प्रकार से आड़ी तिरछी रेखाएँ भी हैं और ऊपर से एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन बना हुआ है अराउंड 23 के एज के लमसम में। यानी ये टाइम पीरियड भी आपका स्ट्रेसफुल ट्रबल में देखने को मिल रहा है 25 से लेकर के 26 के एज में। और उसके बाद फिर एक और स्ट्रेस लाइन यहाँ पर यानी आइलैंड का फॉर्मेशन है 26 से 29 के एज के बीच में। इसके बाद एक यहाँ पर आपके ऑफशूट निकला हुआ है 29 के एज में और उसी के समीप में सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हो रही है जो मैरिज को बता रहा है कि इसे रिसेंट टाइम में आपका मैरिज हुआ है। तो आने वाले टाइम बेसिकली कैसा रहने वाला है, तो यही है कि आने वाले टाइम में लाइफ लाइन का फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है और फिर यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है और ये जो उम्र हम काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा अराउंड 43 के एज में। और उसके पहले एक और ऑफशूट निकला हुआ है जो 42 में ही निकला हुआ है। तो अराउंड अभी से लेकर के आप मान के चलिए तकरीबन 40 के एज तक आपका ग्रोथ लाइफ में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सक्सेस, अचीवमेंट्स, एक प्रकार से लाइफ स्टाइल में चेंजेस होना, जैसे रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी होना, ये बहुत ब्राइट चांसेस है क्योंकि लाइफ लाइन का जो फ्लो है बहुत स्मूथ हुआ है। फिर ब्रेक आएगा 41 से 43 के बीच में, फिर एक और ब्रेक आएगा 46 के एज में, फिर जाकर के लाइफ लाइन अच्छी चल रही है। मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम आपका अभी से, मतलब 29 के एज से ही, या फिर अराउंड समझ लीजिए आपकी इस टाइम पे भी एक रेखा काट के जा रही है, तो 30 के एज से, 30 से लेकर के 40 के एज के मिड तक सबसे बेस्ट पीरियड आपका रहने वाला है। अब इसके कंफर्मेशन के लिए आते हैं आपके लाइफ लाइन के फ्लो पर। तो यहाँ देखेंगे कि आपका लाइफ लाइन का फ्लो केतु के क्षेत्र के ऊपर से प्रारंभ हुआ जो कि फैमिली बिजनेस को इंडिकेट सबसे मेनली करता है। जब इस प्रकार की रेखा चल रही हो जिसमें शुक्र की भी कनेक्टिविटी हो जाए तो फैमिली के सुखों में भी बढ़ोतरी होता है आपके खुद के कर्म या मेहनत के कारण। तो मोस्ट प्रोबेबली पैतृक संपत्ति मिलना या पैतृक जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने के योगों को ही ये बताता है। अब आगे चल करके ये रेखा आगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है और इसमें बायफोर्क का फॉर्मेशन भी हुआ है अराउंड अभी का जो टाइम पीरियड है आपका 29 का। इस टाइम पे एक से दो राहु रेखा भी काटी हुई है। यही रीज़न है कि अभी आपको स्ट्रेसेस या ट्रबल या बिजनेस में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है क्योंकि राहु की रेखा प्रॉब्लम देती ही है। अब ये कितना बड़े पैमाने में प्रॉब्लम देगा उसको बाकी अनदर फॉर्मेशन हाथ के इंडिकेट करेंगे प्रॉपरली, लेकिन मेरे हिसाब से इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है क्योंकि जब राहु रेखा काट रही हो तो उसी समय एक सपोर्टिव लक लाइन भी चल रहा है और ऊपर से यहाँ पर सपोर्टिव लाइंस लाइफ लाइन के पैरेलल भी चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ गौर करिए कि 30 के एज के लमसम में जब ये रेखा गुरु पर झुकी है उसके बाद से आपका जो यहाँ पर जो फेट लाइन है उसमें बहुत बेहतरीन चेंजेस हुआ है जिसके कारण ये सीधे 34-35 के एज में आपके प्रोफेशनल या करियर में एक प्रकार से और चेंजेस होगा या बढ़ोतरी होगी और ये रेखा सीधे के सीधे यहाँ पर फिर सैटर्न तक पहुँच रही है। यानी बहुत बेहतरीन ग्रोथ को ये इंडिकेट यहाँ कर रहा है लकवाइज भी। और राहु की भाग्य रेखा रातों रात व्यक्ति को चमका देती है, इतनी ये मजबूत रेखा होती है, इसीलिए बहुत बेहतरीन लक और लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस को भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो कहीं से कहीं तो कोई कमी नहीं है। जहाँ तक बात करें मर्करी लाइन की, तो मर्करी लाइन भी हल्की हल्की सी आपकी जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है और माइंड लाइन से भी ऑफशूट्स यहाँ निकल रहे हैं और ये भी ऑफशूट निकला है 30 के एज में। तो अराउंड 30 के एज में आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले रहेंगे जिसके कारण और ज़्यादा ग्रोथ और बिजनेस को बहुत हाई लेवल तक पहुँचाना या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी आपकी बढ़ने वाली रहेगी। और वहीं सूर्य पर भी देखें तो यहाँ पर भी आपके एक प्रकार से मल्टीपल्स लाइन चल रहा है और इन्हीं रेखाओं के द्वारा एक हल्का सा, बहुत हल्का सा ही यहाँ पर फिश सिंबल की आकृति भी आपकी क्रिएट हो रही है जो एक प्रकार से कुलदीपक होने की योगों को बताता है जिसके कारण पूरे खानदान में सबसे रईस या ऊँचे लेवल तक पहुँचने के योगों को बताता है। बट इसमें कमी यही है कि ये मल्टीपल्स लाइन के साथ चल रहा है और ये जो मछली का चिन्ह है ये अभी कन्फर्मली डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो इस कारण से अभी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत और स्ट्रगल करने की आवश्यकता है। और बेसिकली जब हाफ फिश सिंबल भी क्रिएट होने लग जाए तो ये लक्की
समय आने के चांसेस को बताता है। तो गोल्डन पीरियड आपका आ रहा है, तो इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये राहु रेखा के कारण अभी स्ट्रेसेस इतना देखने को मिल रहा है, बाकी और कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के आपके एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे आपकी फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में एक प्रकार से लॉन्ग है, जो एक प्रकार के अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ छोटी से छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से ध्यान आप देने वाले रहेंगे, और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। पेशेंस लेवल आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रह गई है। जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाती है, चाहे छोटा सा भी क्यों ना हो, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम दे देता है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी गतिविधि को ये बताता है। साथ ही साथ आपके जितने भी फिंगर हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट यहाँ पर आपकी लिटिल फिंगर ही देखने को मिल रही है। जब इस प्रकार की युति बनती है तो आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे स्ट्रांग है। और एक प्रकार से आप अपने हितों की रक्षा करने वाली भी रहेंगे, यानी जो बात आपने एक बार ठान ली उस पर अड़िग रहना, ये भी आपके नेचर में देखने को मिलेगा। बस इसमें कमी यही है कि कभी कभी काम में आपके डीले देखने को मिलेगा या टाल मटोल वाला काम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फिंगर शॉर्ट है, तो ये पंचुअलिटी या मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी कमी को या ढीलेपन को बताता है। इसीलिए ये काम आपको नहीं करना है, तब जा करके प्रॉपर हाथ के रिजल्ट्स और ज़्यादा जो साइंस है, जैसे फिश साइन हुआ या लक लाइन हुआ, ये और इम्प्रूव होगा, तो और अच्छा आपको रिस्पांस दे पाने में सक्षम रहेगा। सेपरेटली बात करें यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ की, तो आप देख पाएंगे कि दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु का फिंगर आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देने वाला रहेगा, जिसके कारण ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से भी कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की जो फिंगर है, ये आपको रिस्क टेकर नेचर बनाएगा। जेब में 5 रुपये है, रिस्क के बारे आ गई लाखों में, आप ले लेंगे, क्योंकि सूर्य की फिंगर अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी व्यक्त करता है, तो व्यक्ति लाइफ में नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में ज़्यादा हिचकिचाता या घबराता भी नहीं है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की ओर है, जो कि वैराग्य की भावना लाता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, वैसे योगों को ये बताता है, धार्मिक रहने के योगों को भी बताता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड अच्छे हैं, जिसके कारण आप स्पष्टवादी रहेंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस डेवलप्ड यहाँ अच्छा है, अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड यहाँ पर आपके अच्छे हैं, जिसके कारण फिजिकली स्ट्रेंथ और मेंटली अलर्ट रहने के योगों को भी ये बताता है। थंब का साइज सशक्त है, छोटी से छोटी और पुराने से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाने में सक्षम रहेंगे, और थंब आपका एकदम सशक्त है, तो आपको अपने लिमिट्स और अपने पावर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ पर जब मांसल ज़्यादा हो जॉइंट्स में, मतलब थंब के जॉइंट में, तो आप जैसे जातक ज़्यादा किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं रहते हैं, यानी किसी से दब करके नहीं रह पाते हैं। और यहाँ देखेंगे तो यव का चिन्ह भी आपका डेवलप्ड बट ओपन है, पैसा बहुत अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, मेडिटेशन और पूजा पाठ करने से सर्वाधिक लाभ मिलता है। और यहाँ देखेंगे तो आपका सेकंड फेलेंज सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो कि लॉजिकल पावर को अच्छा इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को लॉजिक लगा के करने की प्रवृत्ति आपके अंदर देखने को मिलेगी। वहीं सेपरेटली बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके पाम का साइज स्क्वेरिश फॉर्मेशन में अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में अपने आप को बिजी रखे रहना, वर्क करते रहना। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन सबसे अच्छा एक्टिव है, जिसके कारण कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन ज़्यादा एक्टिव यहाँ नहीं हो पा रहा है, एक्शन जोन एक्टिव तब भी ठीक है, तो सोचने समझने की प्रवृत्ति नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो आपने डायरेक्ट एक प्रकार से आपके अंदर इंस्पिरेशन या किसी बात को लेकर के मोटिवेशन आएगा, उस पर डायरेक्टली आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव योगास के अंदर ही काउंट किया जाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ।
तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड आपका ठीक है। जब गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड हो तो ये अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को भी बताता है, जो कि आपके बाकी पाम के इंडिकेशंस भी सपोर्ट उसको अच्छा कर रहे हैं। यहाँ की आड़ी रेखा गुड स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, जैसे जो भी आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा रहेगा और ये दयालुपन को बेसिकली बताता है। तो ये फॉर्मेशन भी अच्छा है, जब गुरु अच्छा हो तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, जो समाज में भरपूर मिलता भी है। एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, तो गुरु अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है तो बच्चे भी आपके संस्कारी देखने को मिलेगा। सेटन माउंट डेवलप्ड आपका ठीक है, जो कि अच्छे मेहनत करने के योगों को बताता है, और फेट लाइन यहाँ 35 के बाद से और स्ट्रांग हुई है, जो सेटन तक पहुँची है, जो कि अच्छे बुढ़ापे को भी बताता है। अपने पोतों को भी सेटल्ड होते हुए आप अपने लाइफ में देखेंगे, इतनी एज आपकी रहने वाली है। और वहीं एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को अगेन इंडिकेट करता है, जो कि एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदिपन को भी बताता है। इसके अलावा यहाँ देखें आपके सूर्य के क्षेत्र पर, और सूर्य और शनि के बीच की रेखा ये अच्छे नॉलेज एडवाइस को भी इंडिकेट करती है, तो दूसरों को गाइड भी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर का साइन भी आपका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छे प्रॉपर्टी को बताता है, तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने या फिर अपने पिता का प्रॉपर्टी बढ़ाने में आप सहयोग बहुत अच्छा कर पाने में सक्षम रहेंगे। सनलाइन आगे जाकर के स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस कारण से नेम फेम रिस्पेक्ट या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली भी रहेगी। तो सन माउंट पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, बट मल्टीपल्स लाइन थोड़ा कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी को भी बताता है, तो डिसीजंस फिर प्रॉपरली नहीं ले पाते, क्योंकि माइंड जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होता है, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ करते हुए भी देखने को मिलेंगे। मर्करी माउंट डेवलप्ड अच्छा, जो कि एक से ज़्यादा नॉलेज को इंडिकेट करता है जो आपके पास रहेगा। अच्छे एटीट्यूड मेंटेलिटी और बोल चाल की अच्छी कला को भी बताता है, यानी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व भी रहेगा, जिसके कारण अपने बातों से दूसरों को ईजिली कन्वेंस भी कर सकते हैं और प्रभावित कर पाने की भी क्षमता आपके अंदर अच्छी है, तो इस कारण से बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस को ये बताता है। और हृदय रेखा कंपेरेटिवली आपका चल अच्छा रहा है, लेकिन अराउंड 30 के एज के बाद से और 45 के बाद में भी इसमें आइलैंड्स के फॉर्मेशंस हैं, जिसके कारण ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और ट्रबल को इंडिकेट करता है। सेपरेटली यहाँ देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी सैटर्न माउंट पर रुकी और इसी में से शाखा निकल के गुरु की तरफ भी झुकी है, तो आप स्पिरिचुअली जो है ज़्यादा एक्टिव आने वाले समय में होने वाले रहेंगे, जिसके कारण दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करना या इन सारे कार्यों के द्वारा लाभ अच्छे से ले पाना, जैसे पद प्रतिष्ठा मिलना, धन संपत्ति जन जो है जागृत होना, ऐसे योगों को भी ये बताता है। तो कुल मिलाकर के ये दयालुपन को भी यहाँ पर व्यक्त करता है, दया भाव रहेगा, किसी का दुख दर्द ना देख पाना, खुद से जितना हो सकता है सहयोग देना, वैसे योगों को ये बताता है। और एक शाखा सीधे जा रही है जो वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, वैसे योगों को ये बताता है। हृदय रेखा के अंत में कुछ रेखा नीचे की ओर भी आ रही है, तो एक्सपेक्टेशंस या उम्मीद दूसरों से कम रखें तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किसी को पैसा उधार देंगे तो वापस ले पाने में तकलीफ भी आएगी। बाकी माइंड लाइन यहाँ पर आपकी लॉन्ग चल रही है और इंडिपेंडेंट चल रही है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी हैं और अपनी ज़िद की बात मनवा लेने वाले भी रहते हैं। और माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, जिसके कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। माइंड लाइन में मुझे कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है, हाँ कुछ शाखाएं इसमें से नीचे की ओर ज़रूर आ रही हैं, जो बेफिजूल के स्ट्रेसेस को बताता है। आइलैंड के फॉर्मेशन भी बने हुए हैं, जो अराउंड 18 की उम्र में 25-26 के एज में 29 के एज में भी स्ट्रेस को बताता है, बट आपका माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण इन सारे छोटे मोटे आइलैंड के फॉर्मेशन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकली है 30 के एज से, उसके बाद माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, तो आप निर्णय बहुत अच्छा लेने लगेंगे और अपने निर्णयों के कारण ही सर्वाधिक लाभ आप 30 के एज के बाद से उठाना प्रारंभ कर देंगे। माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। लॉजिक लगा के जो कोई काम करेंगे उसमें सफलता अच्छा मिलेगा। पुराने से पुरानी छोटी से छोटी बातों को भी याद रख पाएंगे और मेंटली स्ट्रांग भी रहेंगे, तो हर मुसीबत का सामना डट के भी कर पाएंगे, तो कोई मेंटल प्रेशर या ट्रबल यहाँ पर नहीं है। लाइफ लाइन आगे चल करके बायफोर्क भी हुआ है, तो ट्रैवलिंग ये अच्छी कराता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और राहु की रेखा एक यहाँ दो काट के जा रही है, जिसके कारण अराउंड अभी के टाइम पे मनी लॉसेज या इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और हेल्थ के रिगार्डिंग जो ट्रबल है वो आपको अराउंड वापस से देखने को मिलेगा
41 के एज में। सपोर्टिव लाइंस का काम यही है कि जब मुसीबत आए तो कोई ना कोई सपोर्ट में खड़ा रहेगा, या जो आपका एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर उसको कंप्लीट करने में कोई ना कोई मदद करेगा। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो फिजिकली स्ट्रेंथ और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। शुक्र का क्षेत्र कामुकता ज़्यादा देगा आपको, लेकिन ये अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को भी बताता है। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग आपको रह सकता है। बाकी ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला और हर प्रकार की सुख सुविधा देने वाला रहता है। कोई एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हर शौक को पूरा कर पाएंगे और समृद्धि प्रसिद्धि भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। केतु के क्षेत्र से मरकरी लाइन में निकली है, तो इस कारण से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और फैमिली से बेनिफिट भी अच्छा मिलता है। यहाँ से निकलने वाली रेखा जो चंद्र पे झुक रही है, इसे वियालाइसाविया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को इंडिकेट करता है। तो किसी न किसी चीज़ का लत रहने का योग को भी बताता है और पेट से संबंधित थोड़ी तकलीफ और परेशानी को भी बताता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो आपका जो मरकरी लाइन है वो डेवलप्ड होकर के चल रहा है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये, लेकिन इन फ्यूचर जब ये कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद से जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और आपके हाथ में मून लक लाइन भी है, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज और बर्थ प्लेस से दूर भी देखने को मिलता है। एक यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन भी है, जो बिल्कुल जस्ट आपका यहाँ मून माउंट के ऊपर में है, जो कि प्रॉपर्टी को बताता है जो आपका बर्थ प्लेस से दूर रहने वाला रहेगा। लेफ्ट पाम में देख लें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर मून से ही फेट लाइन निकली है, तो स्पाउस का सपोर्ट भी अच्छा रहेगा और स्पाउस के घर वालों से भी सहयोग अच्छा मिलेगा। तो लक देखा जाए तो कुल मिलाकर के आफ्टर मैरिज अच्छा है, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का साथ भी हमेशा मिलता रहेगा। और माइंड लाइन से जो ये लक लाइन निकली है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी 36 के बाद से। और ये जो हल्की हल्की सी शाखा यहाँ जो चल रही है, ये भी फेट लाइन ही है, जो रुक रुक करके चल रही है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा मीनिंग यहाँ पर नहीं निकल के आता है। बाकी देखें सन लाइन, तो सन लाइन में मंगल की तरफ से भी रेखाएं झुक करके आ रही हैं, जो पूर्व पुण्य रेखा इसे कहते हैं, जो एक प्रकार से डेडिकेशन को इंडिकेट करता है, जो आपके वर्क के प्रति रहने वाला रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।